चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना एक्शन मोड में आ चुकी है, जहां पीएम मोदी की अरुणाचल यात्रा और सेला सुरंग को लेकर चीन बवाल मचा रहा। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही। वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों ने आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के अंडांकी में नेशनल हाईवे पर लैंडिंग और उड़ान भरकर एक बार फिर अपनी क्षमता और कौशल का परिचय दिया है। इसके कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जहां देखा जा सकता है कि सुखोई 30 हॉक फाइटर्स AN-32 डॉर्नियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विमानों ने नेशनल हाईवे पर मौजूद फैसिलिटी एयर स्ट्रिप को एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की तरह इस्तेमाल किया। बाद में वायुसेना के मालवाहक विमान AN-32 और डॉर्नियर परिवहन विमान भी वहां उतरे और राजमार्ग पर बनाई गई इस पट्टी से उड़ान भरी। इस अभियान के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिला प्रशासन, राज्य पुलिस और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल देखने को भी मिला। अब सवाल ये है कि आखिर नेशनल हाईवे पर वायुसेना के विमान क्यों उतारे गए? तो बता दें, अपनी तैयारी पूरी रखने के लिए और अपनी क्षमता और कौशल का परिचय देने के लिए वायुसेना लगातार इस तरह की ट्रेनिंग करती है। हाईवे स्ट्रिप या रोड रनवे हाईवे का एक रूप है, जिसे सेना के विमान को उतारने की अनुमति देने और सैन्य हवाई ठिकानों के रूप में सेवा के लिए बनाया जाता है। और तो और, युद्ध में दुश्मनों के सबसे कमजोर लक्ष्य को भेदने के लिए वायुसेना के कैंप के रूप में ये काम आता है। सड़क रनवे आमतौर पर हाईवे पर 2 से 3.5 किलोमीटर लंबा बनाया जाता है, ताकि विमान सड़क की चौड़ाई का पूरा इस्तेमाल कर सके। इसे बनाने के लिए हर तरह की सावधानी बरती जाती है। इसके लिए वो हिस्सा जहां विमान उतरते हैं वो बिल्कुल सीधा और समतल होना चाहिए। सड़क के नीचे की जमीन धंसने वाली नहीं होनी चाहिए और उस पर कोई ढलान भी नहीं होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो सड़क रनवे सबसे पहले नाजी जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत समय में बनाया गया था। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान सड़क रनवे को और व्यवस्थित ढंग से बनाया गया और अब तो हर देश अपनी तैयारी पूरी रखने के लिए इस तरह के फैसिलिटी एयर स्ट्रिप्स को बनाते हैं। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से चीन पाकिस्तान से भारत का विवाद चल रहा, भारतीय सेना लगातार खुद को तैयार रख रही। और ये जो वीडियो आपने देखा, ये बस एक छोटा सा नमूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।